हेल्दी इंडियन रसोई में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आप एक बार बनाएंगे तो हमारी गारंटी है आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार इसका टेस्ट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले हैं आज हम। तो आज हम बनाते हैं वेज बोल। इसको कोई भी बना लेगा, इसलिए बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। तो चलिए आज बनाते हैं हम कुछ नया और बढ़िया सी रेसिपी। इसके लिए ज्यादा सामानों की जरूरत भी नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चावल बनाएंगे, जिसके लिए हमने पैन में ऑयल ले लिया है और उसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है छोटी इलायची, 2 लौंग डाल दिए हैं और व्हाइट पेपर डाल दिया है हमने, दालचीनी के 2 टुकड़े और काली मिर्च और तेज पत्ता, ये सब चीजें हम चावल में डाल रहे हैं। और हमने डाल दिया 1 हरी मिर्ची 2 टुकड़े करके और डाल दिए अदरक के 4-6 टुकड़े और 1 स्टार अनाइस डाल दिया है। अब इसमें हमने शिमला मिर्ची डाल दी है बारीक पतली काट के और डाल रहे हैं हम इसमें जायफल किस करके, जायफल बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, थोड़ा सा जायफल डालना है। अब हमने सब चीजों को मिक्स कर लिया है और चला लिया है, थोड़ा सा उनको फ्राई होने दे रहे हैं हम और डाला है हमने यहाँ पे जीरा, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सभी चीजों को मिक्स करके। ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है। इसमें डाल रहे हैं हम पानी, पानी आप चावल में जिस हिसाब से डबल होके डालते हैं उससे थोड़ा सा कम डालें। चावल हमने आधा घंटा पहले 15 से 20 मिनट चावल भिगोएंगे तो भी चलेगा, भिगो दिए थे वो हमने पानी में डाल दिए हैं और डाल दिया है हमने नमक। मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को और चावल बनाने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने तेज आँच कर ली थी, अब बिल्कुल जब कम पानी बचेगा तो आँच को धीमा करके चावल को एक बार चला लेंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे और आंच को सिम कर देंगे। सिम पे चावल पकने के लिए रख देते हैं। अब हम चावल को धीमी आंच पर रखने के बाद हमने उसको 2-4 मिनट और छोड़ दिया था। अब इसमें डालेंगे हम मैगी का मैजिक मसाला। मैगी का मैजिक मसाला डालने के बाद किस तरह मिक्स करना है वो आप वीडियो में जरूर देखें। मिक्स करने का ये तरीका है एक कि बहुत अच्छे से मिक्स नहीं करना है, इस तरह से स्लाइटली मिक्स करना है, जैसे कहीं व्हाइट रह जाए और कहीं कलरफुल चावल बन जाए पर फ्लेवर थोड़ा एक सरीके सा आए। देखिए हम कैसे मिक्स कर रहे हैं, इसी तरह से मिक्स करना है। अब थोड़ा सा दूध इसमें डाल दिया है और फिर ढक्कन लगा के रख देंगे। अब यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है जिसमें घी डाल के बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रहे हैं, हरी मिर्ची आप स्वाद अनुसार लें, और डाल रहे हैं इसमें हम खड़ा धनिया और ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर और डाल रहे हैं हम इसमें अदरक और 2 बड़ी प्याज हमने बारीक काट के डाल दी हैं और जायफल किस के डाल रहे हैं हम फ्लेवर के लिए। प्याज की क्वांटिटी, सब्जी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार रखें, आपको जिस तरीके का चाहिए। अब हमने डाल दिया है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर भी देगा और डाल दिया है हमने नमक और पिंच जरा सी हल्दी डालेंगे हम इसमें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को भून लेंगे। प्याज को हमने थोड़ा भून लिया था पहले, बाद में मसाले डाले थे। अब हमने यहाँ पे टमाटर ले लिया है और ले लिया है काजू जो हमने भिगो के रखे थे, सभी को मिक्सर में मैश कर लेंगे। अब हमने मसालों में टमाटर को डाल दिया है, टमाटर प्यूरी और काजू की प्यूरी को मसाले में मिक्स कर लिया है। प्याज कच्चा नहीं रखना था, ये आप ध्यान रखें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करिए, ये सब्जी फ्लेवर बहुत अच्छा देगी। इसमें भी 1 पैकेट मैजिक मसाला डाल दीजिए। जी हाँ, मैजिक मसाला डालेंगे तो मैजिक हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस फ्लेवर और कलर के अनुसार आप डालें। अब डाल रहे हैं हम इसमें 4 चम्मच दही। जी हाँ, दही डालेंगे जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा हमारी सब्जी को और चावल को भी और हमारी जो भी वेज बोल बन रहा है सारे चीजों को। मिक्स कर लिया है हमने बहुत अच्छे से सब्जी को, सब्जी लगभग बन चुकी है हमारी। हमने अलग से एक पैन में अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसमें 1/2 कप सूजी डाल दिया है। जी हाँ, ये कटलेट की तैयारी होना शुरू हो चुकी है क्योंकि हमने राइस बना लिए हैं और अलग से वेजिटेबल्स का जो ग्रेवी है वो भी बना चुके हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे कटलेट्स। जो पानी लिया था हमने वो सूजी से थोड़ा कम लिया था। जी हाँ, उसको पैन में हमने सभी चीजों को ड्राई कर लिया, ठंडा कर लिया। अब इसमें डाल रहे हैं मैश किया हुआ बॉयल आलू और नमक और काली मिर्ची और जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। हमने सूजी के साथ आलू और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
ये देखिए कैसे मिक्स करना है। बढ़िया से इन चीजों को मिक्स करेंगे, पिंच सी हल्दी डालेंगे जरा से कलर के लिए। स्वाद तो आएगा ही, पर कलर थोड़ा सा हमको चाहिए। इसके लिए हम बाहर का कलर कोई नहीं यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल हमने हाथ में लगा लिया है और आटा लगा चुके थे हम आलू का, बस हाथ में हमने लिया है ताकि चिपके नहीं। और हम इस तरीके से कटलेट्स बना लेंगे। ये देखिए शेप आप कोई भी दे सकते हैं कटलेट्स को, इस तरह से कटलेट्स को शेप दीजिए या फिंगर्स का भी शेप दे सकते हैं। सभी कटलेट्स को इसी तरह से बना के हम रखते जाएंगे, ये देखिए। और हमने एक पैन में अब ऑयल ले लिया है, शैलो फ्राई करेंगे। एक अलग से बॉल में हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये देखिए। ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डिप कर लेंगे हम कटलेट्स को। आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। बस इसी तरह से हमने डिप कर लिया है कटलेट्स को और शैलो फ्राई कर लेंगे। सभी कटलेट्स को इसी तरह डिप करके हम बनाएंगे। थोड़ी देर नीचे से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो सभी कटलेट्स को पलट दीजिए और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन तलना है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही। बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार कटलेट्स बनेंगे, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे बनेंगे ये। दोस्तों एक कंप्लीट मील है, इसको आप लंच में या डिनर में परोस सकते हैं। मेहमान आए तो आपके पास सब्जियां अवेलेबल ना हो तो सिर्फ आलू और चावल से ये चीज बन सकती है। आप इसको दही के साथ, पापड़ के साथ परोस सकते हैं। आप अगर इसी तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग बनेगी। कटलेट्स रेडी हैं, तो चलिए दोस्तों अब इसको सर्व करते हैं। सबसे पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर चावल डाल दिए हैं हमने, अब इसके ऊपर लेयर लगाएंगे हम ग्रेवी की, जो हमने वेजिटेबल ग्रेवी बनाई है। इसके ऊपर कटलेट्स लगाएंगे, कटलेट्स दो या तीन हमने यहाँ पे लगाए हैं, और फिर से एक बार टेस्टी चावल की लेयर लगा देंगे। आप अगर इस रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे और इसी तरह सर्व करेंगे तो फिर आप खा के देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगेगा टेस्ट आपको। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें, लोगों से शेयर भी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।